हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉलिस्टाइल्स। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाइएगा। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये कलरफुल सा आई मेकअप लुक, जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी भी ओकेशन पर। सो देखते हैं कि ये लुक कैसे क्रिएट किया मैंने। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मार्स का ब्रो पाउडर लिया है अपने आईब्रो फिलिंग के लिए। सो इसी के साथ एक ये स्मॉल एंगल ब्रश आता है, उसी से मैंने अपनी आईब्रो फिल कर ली है। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने एक स्पूली की हेल्प से अच्छे से अपने आईब्रोज़ को कॉम कर लिया है। देन अब बारी आती है कंसीलर की। सो कंसीलर के लिए यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है, वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर। सो इसको मैं अपनी पूरी आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी कि मेरी आईब्रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प लगे, एंड इसीलिए मैंने अपनी आईब्रोज के क्लोज कंसीलर को अप्लाई कर लिया है। देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसे ईजिली ब्लेंड आउट कर लिया है, बिकॉज ये काफ़ी क्रीमी टेक्स्चर है तो ईजिली ब्लेंड आउट हो जाता है। देन अगेन मैंने एक उसी कंसीलर को पिक करके अपने आईब्रोज के अपर एरिया पर भी अप्लाई कर लिया है, ताकि ये जो आईब्रोज है वो बिल्कुल शार्प दिखे, क्योंकि यहाँ पे मेरी आईब्रोज बनी हुई नहीं है एंड मुझे थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको बेस रेडी कर लिया, देन कॉम्पैक्ट कर लिया है। देन उसके बाद अब बारी आती है आई शेडो की। सो आई शेडो के लिए यहाँ पे मैंने ग्लिटर गैलेक्सी का फ्यूजन पैलेट लिया है, इसमें से मैंने ये पीची शाउट ऑफ शेड लिया है। इसको मैंने अच्छे से अपने क्रीज लाइन पे बर्फ कर लिया एक स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से। देन उसके बाद मैंने अगेन इसमें से को थोड़ा सा डार्क शेड लेके एंड उसको एक एंगल ब्रश की हेल्प से अपने आउटर वीज पे एक विंग ड्रॉ कर लिया है। इस शेड को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने इसी पैलेट में से ब्लैक शेड लिया है एंड अब एक एंगल ब्रश की हेल्प से अपने क्रीज लाइन पर एक लाइन ड्रॉ किया है एंड उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है। देन उसके बाद एक स्मॉल फ्लैट ब्रश लिया है एंड देन उससे अपने आउटर कॉर्नर्स पे अच्छे से इसी ब्लैक शेड को बफ कर लिया है अपने पहले वाले शेड के जस्ट ऊपर। एंड उसके बाद यहाँ मैंने ग्लिटर पीची शाउट ऑफ शेड लिया है एंड इसको एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने मिड ऑफ आईलेट पे अप्लाई किया है। देन उसके बाद अगेन इसी में से ये गोल्डन शेड को लेके अच्छे से अपनी इनर कॉर्नर्स के आईलेट पे अप्लाई कर लिया एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से। देन बिकॉज ये ग्लिटर पिगमेंट से तो ये इजीली फ्लैट ब्रश की हेल्प से पिक हो जाते हैं। देन उसके बाद अब बारी आती है कंसीलिंग की, बिकॉज यहाँ पे जो है मैं अपने आउटर वीज को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड देन उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड आउट कर लूँगी। देन ये ईजिली ब्लेंड आउट हो जाएगा एंड ब्लेंड आउट होने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना शार्प दिख रहा है मेरा आउटर कॉर्नर्स का जो आई मेकअप है। उसके बाद अब हम आते हैं बारी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करने की। सो यहाँ पे मैंने इसी पैलेट में से ग्रीन शेड लिया है एंड इसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स के लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से एंड ये ईजिली पिक हो जाता है। एंड आप देख सकते हैं इसके पिगमेंट की एक ही बारी में इसने पूरा शेड अपना दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं सेम पैलेट में से ब्लू शेड लूँगी एंड इसको अपने मिड ऑफ लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से ईजिली थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर लूँगी ताकि मर्ज आउट हो जाए ग्रीन और ब्लू। उसके बाद यहाँ पे मैंने अगेन वही पीची शॉट ऑफ शेड लिया है और एंगल ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा अपने आउटर लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। देन अगेन मैं कंसीलर से उसको थोड़ा सा ठीक कर लूँगी एंड शार्प दिखा दूँगी। उसके बाद अब बारी आती है लास्ट आईलाइनर की। सो लाइनर के लिए यहाँ पे मैंने ADS का जेल आईलाइनर लिया है 24 आवर्स का। सो ये 24 आवर्स स्टे रहता है। उसके बाद यहाँ पे इसी के साथ एक स्मॉल एंगल ब्रश आता है, उसी से मैंने यहाँ पे लाइनर को अप्लाई कर लिया है। सो इसे मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ मिड ऑफ आईलेट पे ही अप्लाई करूँगी, ताकि यहाँ पे कोई भी मैं विंग ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बस जस्ट लाइनर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया आईज को थोड़ा सा बोल्ड दिखाने के लिए। देन उसके बाद मस्कारा मेरा डेजलर का मस्कारा है एंड देन अब बारी आती है हाईलाइटर की। सो हाईलाइटर के लिए यहाँ पे मैंने ओडोबो का हाईलाइटर लिया है और इसमें से मैंने ये जो स्मॉल फ्लफी ब्रश से लेके अपना सबसे लाइट वाला शेड है इसको मैंने अपने आईब्रो बोन्स पे अप्लाई कर लिया है, ताकि जो मेरी आईज़ है वो काफ़ी ब्लिंगी सी लगे, थोड़ी सी जो है आई मेकअप है वो काफ़ी क्लीन आउट लगे। उसके बाद अब बारी आ जाती है एट लास्ट फॉल्स आईलैशेस की। सो यहाँ पर मैंने हुडा ब्यूटी की फॉल्स आईलैशेस अप्लाई की है। सो ये भी काफ़ी ईजी है फॉल्स आईलैशेस अप्लाई करना, इसको भी मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज, आई होप ये वाला लुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।